तो स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ डोमेन के प्रॉब्लम्स किए थे, तो उन्हीं को आज कंटिन्यू करते हैं। पहला सवाल एफ एक्स सी एक्स का डोमेन बताना है आपको। तो डोमेन ये अंडर रूट के अंदर की चीज़ है ना, तो पहली कंडीशन क्या होगी कि एक्स माइनस टू का अंडर रूट अपॉन एक्स माइनस थ्री जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ये पहली कंडीशन। साथ ही साथ दूसरा कंडीशन क्या होगा, ये फंक्शन मतलब अंडर रूट के अंदर जो है, उसको भी तो डिफाइन होना पड़ेगा ना। तो वो कब डिफाइन होगा, जब ये अंडर रूट के अंदर जो ये है, अंडर रूट के अंदर जो अंडर रूट है उसमें जो आर्ग्यूमेंट है एक्स माइनस टू, इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना। तो आप कह सकते हो एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स माइनस थ्री है, यहाँ पे मैं कोने में लिख लेता हूँ कि एक्स नॉट इक्वल टू थ्री होगा, ठीक है। तो आप सॉल्व करो, तो एक्स माइनस, तो सेकेंड कंडीशन से आया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ठीक है। अब तुम देखो जो भी डोमेन होगा ना वो इसके बाहर नहीं होगा, इस इंटरवल के बाहर, क्योंकि इस इंटरवल के बाहर का कोई नंबर ले लो, जैसे वन ले लिया, तो जब तुम वन प्लग इन करोगे तो ये अंडर रूट के अंदर अंडर रूट माइनस वन अपॉन जो भी है माइनस टू बन जाएगा, ये तो अनडिफाइंड हो गया, है ना। तो डोमेन जो भी होगा इसके अंदर ही होगा, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करो। अच्छा एक्स माइनस टू क्या होता है, अंडर रूट एक्स माइनस टू हमेशा पॉजिटिव होता है ना। तो मैंने क्या किया, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी अंडर रूट एक्स माइनस टू, उससे डिवाइड कर दिया, तो ये चीज़ मेरे पास आ गई। लेकिन साथ में आपको यहाँ लिखना पड़ेगा एक्स नॉट इक्वल टू टू, क्यों, क्योंकि एक्स इक्वल टू टू के लिए ज़ीरो हो जाएगा और ज़ीरो से आप डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। तो एक्स माइनस थ्री यहाँ से पॉजिटिव, तो एक्स यहाँ से ये आ गया, है ना। अब ये पहली कंडीशन मतलब दूसरी कंडीशन, ये पहला यहाँ से निकाला था और ये तीसरा, इन सब का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास आएगा एक्स बिलोंग्स टू थ्री से इन्फिनिटी यूनियन एलिमेंटल टू। टू पे आप चेक कर लो, देखो टू पे आप चेक कर लो आउटपुट वैलिड आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो टू इसमें डालोगे तो एफ ऑफ टू कितना होगा, अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ज़ीरो अपॉन माइनस वन, है ना। तो ये तो डिफाइन है तो ज़ीरो आता है, इसीलिए ये आपका डोमेन हो गया, ठीक है। अगला सवाल। तो सबसे पहले तो लॉग के अंदर की जो चीज़ है उसको पॉजिटिव बनाओ, है ना। तो इसको लिखते हैं लॉग अंडर रूट साइन एक्स, यह है एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 23 माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग टू बेस टू और एट, है ना, तीन को मैंने ये लिख दिया, और ये लॉग टू साइन एक्स, ठीक है। अब इतने चीज़ को मैं मॉडिफाई करके क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ इतने चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, लॉग एट मॉड साइन एक्स, है ना। तो अल्टीमेटली मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये सिंप्लीफाई करके ये लिख देता हूँ लॉग मॉड साइन एक्स एट, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, क्योंकि लॉग के अंदर का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहला कंडीशन ये, ठीक है। अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं, लॉग के अंदर क्या क्या चीज़ है, लॉग के अंदर ये है ना, तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कुछ नेगेटिव टर्म आ गया फिर तो अंदर का लॉग डिफाइंड ही नहीं होगा, है ना। तो इसको पॉजिटिव बनाओ, है ना, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो एक्स बिलोंग टू आर आ जाएगा, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, वो नेगेटिव है और लीडिंग कोफिशिएंट वन है, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। तीसरा कंडीशन, क्या कि देखो जो बेस होता है
लॉग के अंदर जो भी है बेस, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए और वन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए और वन भी नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव तो वो है ही क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन है, तो ज़ीरो और वन नहीं होना चाहिए। मतलब साइन एक्स क्या क्या नहीं होना चाहिए, साइन एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए, माइनस वन नहीं होना चाहिए। तो ज़ीरो किस पे आता है, ज़ीरो पे आता है। वन किस पे आता है, पाई बाय टू पे आता है। ये माइनस वन थ्री पाई बाय टू, ठीक है। और फिर ज़ीरो आ जाएगा फोर पाई बाय टू पे, फिर फाइव पाई बाय टू, ये सब वैल्यूज़ हट जाएंगे। तो पैटर्न दिख रहा है ना, पैटर्न क्या है कि एक्स कुछ भी हो चलेगा, लेकिन एन पाई बाय टू नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ जो है ज़ीरो वन या माइनस वन बन जाता है। तो तीसरा कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन ये है ना, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। इसको अब सॉल्व करते हैं हम फर्स्ट कंडीशन को। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग साइन एक्स मॉड बेस है एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 23 अपॉन 8 शुड बी पॉजिटिव। अब देखो मॉड साइन एक्स कहाँ से कहाँ लाया करता है, ज़ीरो से वन लाया करता है, तो लेस देन वन है ना ये और ग्रेटर देन ज़ीरो। तो मतलब अगर मैं इसको वहाँ ले जाऊँ तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 23 अपॉन 8 है ना मस्ट बी लेस देन वन, और साथ ही साथ ग्रेटर देन ज़ीरो भी लगा दो, ठीक है। मैंने बताया था कभी भी लेस देन का चिन्ह आए तो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो लगा दिया करो, क्योंकि देखो इसको, इस पूरे चीज़ को भी तो डिफाइन होने के लिए अंदर का चीज़ पॉजिटिव होना पड़ेगा ना, तो वही किया है। अब देखो इतना सॉल्व करोगे तो एक्स बिलोंग टू आर आ जाएगा, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है ना, और लीडिंग कोफिशिएंट वन है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये चीज़ हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 15 ठीक है, नेगेटिव, तो एक्स बिलोंग टू डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। 3 से 5 आपके पास आ गया, ठीक है। अब ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन, सबका इंटरसेक्शन ले लो। तो ये तो आर ही है, इसका क्या इंटरसेक्शन लोगे, इसका और इसका इंटरसेक्शन लो, ठीक है। तो एक्स आपका 3 से 5 के बीच में लाया करना चाहिए है ना, लेकिन उसमें एन पाई बाय टू की जो भी वैल्यूज़ है वो घटा दो। जैसे मैं अगर एन के जगह वन डालूँ तो पाई बाय टू आएगा, पाई बाय टू तो कहीं यहाँ लाया करेगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर तो आपका ये आ गया पहले इससे, ये दूसरे से क्या आया आर माइनस, ठीक है। मैं पाए अब टू डाल देता हूँ, तो टू डालूंगा तो पाए कहीं यहाँ होगा, 3 डालूंगा 3 पाई बाय 2 यहाँ होगा, 4 डालूंगा तो 2 पाई हो जाएगा जो कि बाहर आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ हमें नहीं चाहिए है ना। आपका फाइनली आंसर क्या आया, एक्स बिलोंग टू 3 से 5 माइनस पाए कॉमा पाए बाय टू 3 पाए बाय 2 है ना। तो ये आपका आंसर है। अब अगला सवाल देख लो, ठीक है। ln ये दे रखा है, ठीक है। अब log में क्या होता है कि पॉजिटिव होता है आर्ग्यूमेंट है ना, तो वही कि सबसे पहले इसको पॉजिटिव बना लो, सॉरी माइनस ऑफ 4x-2 पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब इससे बड़ा होना चाहिए, ये पहली कंडीशन, ठीक है। अच्छा दूसरा कंडीशन क्या लगेगा, देखो ये अंडर रूट भी तो डिफाइन होना चाहिए ना, अंदर ln के आर्ग्यूमेंट के भी अंदर जो है अंडर रूट है उसको भी तो डिफाइन होना पड़ेगा, तो उसको डिफाइन कर लो। तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका रूट 2 है क्या, एक 2 नहीं माइनस 2, ठीक है। माइनस एक्स माइनस 2 एक्स, अरे माइनस 3 रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 3 नेगेटिव आ गया,
एक्स आपके पास माइनस टू से थ्री आ गया, ये पहली कंडीशन। अब डोमेन होगा ना इसी के अंदर होगा, क्योंकि इसके बाहर के एलिमेंट अगर ले लोगे ना तो अंडर रूट अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन कुछ भी होगा इसी इंटरवल में होगा, ठीक है। ये पहली कंडीशन में सॉल्व कर ली। दूसरी कंडीशन देखते हैं, ये है। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर आप कर नहीं सकते यहाँ पे, स्क्वायर आप तभी कर सकते हो जब दोनों साइड नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ हों। मेरे कहने का मतलब, मैं बोल रहा हूँ 9 3 से बड़ा है, बड़ा है, आप स्क्वायरिंग कर दो, ट्रू है ये चीज़, ठीक है। तीन माइनस नौ से बड़ा होता है, स्क्वायरिंग करो, नहीं आया ना, तो इसीलिए नहीं करते हैं स्क्वायरिंग। दोनों साइड जब नॉन नेगेटिव वैल्यूज हो तभी आप स्क्वायरिंग कर सकते हो। तो आप एक काम करो, यहाँ के सब बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। केस वन, जब 4x-2 नॉन नेगेटिव हो, इसका मतलब x हाफ या हाफ से बड़ा हो। और केस टू आपका क्या बनेगा, कि x जो है वो हाफ से छोटा हो, ठीक है। अब तुम देखो, केस टू पहले हम सॉल्व करते हैं। x जब हाफ से छोटा होगा तो ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, और ये चीज़ तो पॉजिटिव ही रहेगी ना, क्योंकि अंडर रूट है। तो x लेस देन हाफ के लिए तो ये इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू रहेगा, है ना। तो मैं कह सकता हूँ ना कि x लेस देन हाफ के लिए ये चीज़ ट्रू है ना। तो x हाफ के लिए ट्रू है, तो आपके पास आ गया x हाफ, दूसरा कंडीशन आ गया आपके लिए। यहाँ से आप सॉल्व करो। अब आप यहाँ पे स्क्वायरिंग कर सकते हो, क्योंकि x हाफ से बड़ा हो गया ना, हाफ या हाफ से बड़ा, तो दोनों साइड पॉजिटिव चीज़ है, तब स्क्वायरिंग कर दो। तो 9-x² + x + 6 जाएगा 16x² + 4-16x, ठीक है। तो वहाँ 25 25 -25 54 50, तो x², ठीक है, -25x - 50 -2, ये होना चाहिए। तो x - 2 x + 2 x + 1, तो ये आ गया आपके पास आंसर यहाँ से। ये तीसरा कंडीशन। अब कुछ नहीं, अब वो इंटरसेक्शन ले लो आप, पहले दूसरे तीसरे का, ठीक है। तो इंटरसेक्शन लिया हमने, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे कहीं -2 रहा होगा, यहाँ 3 रहा होगा, यहाँ हाफ रहा होगा, ठीक है, यहाँ 2 रहा होगा, और यहाँ -1 रहा होगा। पहला कंडीशन बोल रहा है -2 से 3, ठीक है। अच्छा रुको, एक चीज़ गड़बड़ कर दिया मैं अभी, ठीक है। देखो यहाँ पे तीसरा कंडीशन क्या आया, x-1 से 2 है, लेकिन तुमने माना क्या था, तुमने तो ये माना था ना x जो है हाफ से बड़ा होगा, है ना, और आपका आंसर ये आ गया। तो आपको इसका और इसका भी इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो आपके पास फाइनली, आप इंटरसेक्शन जब लेंगे तो आपके पास फाइनली आंसर ये आने वाला है, हाफ से 2। आप -1 से हाफ, यहाँ पे एक और इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है ना -1 से हाफ, लेकिन वो आप ले नहीं सकते क्योंकि आपने मान रखा है कि x हाफ या हाफ से बड़ा है। तो तीसरा कंडीशन ही आएगा। अब आप तीनों का इंटरसेक्शन ले लो। पहला बोल रहा है -2 से 3 होना चाहिए, ठीक है, -2 से 3 हमने बना दिया, ठीक है। दूसरा बोल रहा है हाफ से 2 होना चाहिए, तो हाफ पे क्लोज आ गया और 2 पे ओपन, ठीक है। और तीसरा क्या बोल रहा है, x हाफ से छोटा होना चाहिए, हाफ से छोटा होना चाहिए, हाफ से छोटा। तो आप जब इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -2 से 2, तो
फाइनली आंसर आपके पास क्या आ गया, -2 से 2, 2 पे ओपन आएगा, -2 पे क्लोज, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, नोट करो। सिमिलर सवाल, सबसे पहले लॉग के अंदर की चीज़ को मैं डिफाइन मतलब डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, ये चीज़ होना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, ये तो पहला कंडीशन, अंडर रूट के अंदर की चीज़ भी तो डिफाइन होनी चाहिए। 5x-24 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x-8, x+3 आपके पास आ गया, तो यहाँ से आपके पास आ गया -∞ से -3 यूनियन 8 से इन्फिनिटी, सही चीज़ है ये। अब डोमेन इसी के अंदर होगा, ठीक है। ये पहली कंडीशन हमने सॉल्व कर ली। दूसरा, अब यहाँ पे केस बनाओ, x+2 जब नॉन नेगेटिव हो और जब x+2 नेगेटिव हो। अब देखो, इस केस के लिए तो हमेशा ये चीज़ ट्रू होगी, क्योंकि ये चीज़ क्या है, अंडर रूट है ना, पॉजिटिव चीज़ है ये, और ये तो नेगेटिव है, तो ये तो हमेशा ट्रू होगा। तो x<2> आपका दूसरा कंडीशन हो गया, है ना। और अब यहाँ देखो, इसमें देखो, ठीक है, इसमें अब आप स्क्वायरिंग कर दो। तो x²-5x-24 शुड बी सॉरी, -2 आना चाहिए, है ना। इसका क्या मतलब है, x>-2। अब आप स्क्वायरिंग कर दो, तो x²+4x, ठीक लिख रहा हूँ, x²+4x+4, है ना। तो x² से x² उड़ गया, ठीक है, -9x। तो यहाँ से x आपके पास आ गया -28/9 से छोटा, है ना, -28 बन जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा कंडीशन। अब आप, और हाँ, तीसरा कंडीशन है, अभी नहीं हुआ, ठीक है, रुको। ये चीज़ आ गया ये सॉल्व करके, और हम क्या बोल रहे थे कि x तो ग्रेटर देन, मैं क्या बोल रहा था, -28/9 कहीं यहाँ है और ये -2 कहीं यहाँ है। मैंने क्या मान के ये सॉल्व किया है, ये रिजल्ट पे मैं क्या मान के आया हूँ, ये मैं तो ये कंसिडर कर रहा था ना कि x हाँ -2 से बड़ा होगा, लेकिन हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट अपने पास ही आ गया। तो यहाँ से तो कोई आंसर नहीं आया, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू फाई आ गया, है ना। तो यहाँ से तो बात नहीं बनी। तो आपके पास सॉल्यूशन इन्हीं दो में से आएगा। अब आप इनका इंटरसेक्शन ले लो, है ना, इसका और इसका इंटरसेक्शन लोगे अगर, तो आपके पास आ जाएगा सीधा सीधा आंसर, वो दिख ही रहा है, -∞ से -3, ये आपका आंसर है, ठीक है। देखो, अंडर रूट के अंदर की चीज़ है, क्या होना पड़ेगा डिफाइन होने के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। साथ ही साथ, ये पहला कंडीशन, साथ ही साथ जो ln के अंदर का चीज़ है उसको भी तो डिफाइन करो। तो x-3>0, x>3, ठीक है। अब डोमेन इसी के अंदर होगा, इसके इस इंटरवल के बाहर कोई भी ऊट पटांग वैल्यू ले लोगे तो ln जो है वो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो, क्योंकि स्क्वायर है एल एन पे, मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिव है ln² ln कुछ भी आउटपुट दे रहा होगा, स्क्वायर कर दोगे तो पॉजिटिव होगा, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे ln² से। तो ये चीज़ आ जाएगा, ये मानते हुए कि x 4 नहीं है, क्योंकि x अगर 4 हो गया ना तो ये 0 हो जाएगा, और 0 से आप डिवाइड कर नहीं सकते, ठीक है। तो आप कभी भी किसी चीज़ से डिवाइड करो तो उसका एक रूट जो एग्जिस्ट अगर कर रहा है तो उसको आप लिख लिया करो कि x रूट के बराबर नहीं है,
ठीक है। ये चीज़ है, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू आ गया, यूनियन फाइव से इन्फिनिटी आ गया आपके पास एक्स, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ठीक है। तो अब आप वन और टू का इंटरसेक्शन ले लो, तो वन और टू का इंटरसेक्शन लोगे, वन इंटरसेक्शन टू जब लोगे तो साफ 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 दिख रहा है कि एक्स बिलोंग टू पाँच से इन्फिनिटी आ रहा है, पाँच से इन्फिनिटी आ रहा है। लेकिन अब आपको यहाँ पे देखो, तुमने सॉल्व किया ठीक है, तुमने इसके लिए तो चेक ही नहीं किया ना, तो अब मैं चेक कर लेता हूँ एक्स चार डाल के। एक्स अगर मैं चार डाला तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, चार पे तो अंडर रूट डिफाइन हो गया है ना। तो फाइनल रिजल्ट जो है डोमेन फंक्शन का, ये हो जाएगा, डोमेन ये हो जाएगा, एक्स बिलोंग टू फाइव क्लोज से इन्फिनिटी यूनियन एलिमेंट चार, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर है, ये भी वही सवाल, ठीक है, लॉग के अंदर का चीज़। तो सबसे पहले तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए मतलब, ठीक है। तो अब आप क्या करो, क्योंकि हाफ वन से छोटा है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय फोर, साथ ही साथ ज़ीरो से बड़ा कर दो, क्योंकि लॉग के अंदर की चीज़ भी तो डिफाइन होनी चाहिए, उसी लिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइ, एक मिनट, एक्स स्क्वायर कहाँ से आ गया, यहाँ पे सिर्फ फाइव एक्स होगा, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स जो है ग्रेटर देन ज़ीरो, एंड एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर मस्ट बी पॉजिटिव, ये चीज़ है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो से पाँच आ जाएगा, एंड एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस वन है ना, यहाँ से एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से वन यूनियन फोर से इन्फिनिटी, ठीक है। ये दूसरा, ये पहला, तो पहला दूसरा का इंटरसेक्शन आप ले लो, तो इंटरसेक्शन लोगे तो वो दिख ही रहा है एक्स कहाँ से कहाँ है, एक्स चार से पाँच है, सॉरी, एक्स ज़ीरो से चालू है वन यूनियन, ठीक है, एक से चार कुछ नहीं है, फिर चार से शुरू हो रहा है, चार से पाँच, यह आपका आंसर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब तुम देखो, लॉग मतलब अंडर रूट के अंदर की चीज़ को मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ। अब मैं केस बनाता हूँ, ठीक है, केस वन, एक्स जो है ज़ीरो से वन है, और केस टू, एक्स जो है वन से इन्फिनिटी है ना, ठीक है। तो मैं केस वन करता हूँ कि एक्स ज़ीरो से वन है, ज़ीरो से वन है तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, तो टू पाई एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, सॉरी, लेस देन वन होना चाहिए है ना, और ग्रेटर देन ज़ीरो कर दो, है ना, सॉरी, यहाँ पे इक्वालिटी भी आएगा है ना, अंडर रूट के अंदर की चीज़ ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आएगा। अब तुम देखो, जो कॉस जो होता है वो पॉजिटिव कहाँ का है,
माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, तो मैं कह सकता हूँ ना कि टू पाई एक्स ज़रूर पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू के बीच में रहा होगा। अब देखो मैंने इक्वेलिटी क्यों नहीं लगाई, इक्वेलिटी इसलिए नहीं लगाई क्योंकि जब टू पाई एक्स पाई बाय टू हो जाएगा ना तो कॉस टू पाई एक्स फिर ज़ीरो हो जाएगा और ज़ीरो हमें चाहिए नहीं, इसलिए यहाँ पे इक्वेलिटी नहीं आएगी। ठीक है, इसको जनरलाइज़ कर दो, टू पाई एक्स जो है टू एन पाए प्लस पाए बाय टू से छोटा होना चाहिए और टू एन पाए माइनस पाए बाय टू से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आपके पास आ जाएगा क्या, टू पाए से डिवाइड करना है कर रहे हैं तो एन प्लस वन बाय फोर से एन माइनस वन बाय फोर। ठीक है, अब एक्स ज़ीरो से वन, ठीक है, तो मैं अब ज़ीरो से वन यहाँ पे बना लेता हूँ, ज़ीरो से वन, ठीक है, बना दिया। अब मैं एन का वैल्यू अभी ज़ीरो रखता हूँ, ठीक है, ज़ीरो रखूँगा तो ये क्या आएगा, माइनस वन बाय फोर से वन बाय फोर आएगा, ज़ीरो रखा। अब मैं वन रखता हूँ, वन रखूँगा तो ये थ्री बाय फोर से कितना, फाइव बाय फोर आ जाएगा। तो यहाँ से जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो तो ये आ रहा है ना, माइनस वन बाय फोर से वन बाय फोर और थ्री बाय फोर से फाइव पाई बाय फोर। तो यहाँ से जब मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट केस वन से जो है रिजल्ट आ रहा है कि एक्स बिलोंग टू क्या चीज़, माइनस वन बाय फोर से ज़ीरो, सॉरी ज़ीरो से वन बाय फोर, यूनियन थ्री बाय फोर से वन, ठीक है, वन लिखा है, थ्री बाय फोर से वन, तो ये हमारा आ गया यहाँ से। अब केस टू सॉल्व करो, एक्स वन से जब बड़ा होगा, वन से बड़ा होगा तो कॉस टू पाई एक्स, वन से बड़ा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो गया। अब देखो कॉस में कुछ भी तुम डालो वन से बड़ा तो हो नहीं सकता, इक्वल टू वन हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है, टू पाई एक्स जो है वो ये होना चाहिए, है ना। अब तुम कॉस के ग्राफ में देख सकते हो, सॉरी ये तो साइन का बना दिया, कि कॉस जो है वो वन के बराबर कब होता है, एक ज़ीरो पे होता है, ठीक है, और एक टू पाए पे होता है। तो इसका क्या मतलब है कि हर इवन मल्टीपल ऑफ टू पाए पे कॉस जो है वो वन आउटपुट देता है। तो एक्स क्या, तो टू पाए एक्स क्या हो जाएगा, टू के पाए हो जाएगा, वेर के इज़ एन इंटीजर। ठीक है, तो एक्स के बराबर आ गया, मतलब सारे इंटीजर, है ना। तो अब सारे इंटीजर इंक्लूड कर लो, और हाँ इस इंटरवल में होना चाहिए क्योंकि ये मान के सॉल्व कर रहे हो ना, तो जब तुम्हारा ये इंटीजर आ गया तो ये आएगा टू थ्री फोर, वन नहीं आएगा, ठीक है, जाता जा रहा है। वन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि तुम मान के चल रहे हो ना वन से बड़ी वैल्यू है एक्स की, है ना। तो यहाँ से ये चीज़ हो गया। तो अब इसका और इसका यूनियन ले लो, तो फाइनली आंसर आपके पास क्या आ गया, फाइनली आंसर आपके पास आ गया ज़ीरो से वन बाय फोर यूनियन थ्री बाय फोर से वन यूनियन टू थ्री फोर फाइव, सारे जो दो से बड़े नेचुरल नंबर, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो अंडर रूट के अंदर की चीज़ को सबसे पहले पॉजिटिव बनाओ, मतलब नॉन नेगेटिव बनाओ, साथ ही साथ अंदर भी एक क्या चीज़, अंदर भी एक वो है अंडर रूट है, तो उसको भी नॉन नेगेटिव बनाओ। ठीक है,
तो एक्स यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, -1 से 1 आ गया। ठीक है, अब तुम देखो ये होना चाहिए, अब केस बनाओ, अब स्क्वायरिंग मत कर देना, केस बनाओ। केस वन क्या है, केस वन की जब एक्स नेगेटिव है, तो एक्स नेगेटिव है तो ये चीज़ तो फॉल्स हो जाएगी। तो एक्स जब नेगेटिव होगा वहाँ से कोई आंसर नहीं आएगा, है ना। केस टू ले लो अब, कि एक्स पॉजिटिव हो या ग्रेटर देन ज़ीरो, है ना, नॉन नेगेटिव, मतलब एक्स नॉन नेगेटिव जब हो तब स्क्वायरिंग कर दो। तो एक्स स्क्वायर ये चीज़ हो गया, है ना। तो 2x² - 1 जो है वो ये हो गया। तो x आपके पास आ गया माइनस इन्फिनिटी से -1/√2, यूनियन 1/√2 से इन्फिनिटी। ठीक है, इतना। अब तुम तो मान के चले थे कि x पॉजिटिव है, तो ये इंटरवल हटा दो, तो इंटरवल आपके पास इतना ही आ गया, यहाँ क्लोज आएगा, सॉरी। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया। अब इसका और इसका क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो। तो आपके पास इंटरसेक्शन जब आप लेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। हाँ ठीक है, 1/√2 से 1। ठीक है, ये आंसर है आपका। अच्छा, अब इसको देखते हैं। ठीक है, अब इसमें तो तुम अगर इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे, फिर तुम इसका रूट निकालने बैठोगे तो रूट नहीं आएगा, तो वेवी कर्व यहाँ पे फेल हो जाएगा, क्योंकि रूट चाहिए ना आपको वेवी कर्व के लिए। तो यहाँ पे वैसे नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको केस बनाना पड़ेगा, मतलब। और इस टाइप के सवाल देखो कैसे करते हैं, ठीक है। आगे भी हो सकता है इनकाउंटर हो जाए, तो ये चीज़ होना चाहिए सबसे पहले। तो अब तुम देखो, एक्स को जब मैं नेगेटिव डाल रहा हूँ तो ये चीज़ पॉजिटिव बन जाएगा। अब मैं एक्स को नेगेटिव डाला तो नेगेटिव का पावर कुछ ऑड नेगेटिव आएगा, और वो माइनस के साथ भिड़ेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूँ ना कि एक्स नेगेटिव के लिए तो ये चीज़ हमेशा ट्रू है। तो मतलब एक्स नेगेटिव हमारे आंसर में है, हमारे डोमेन में है। अब एक्स पॉजिटिव के लिए देखते हैं। एक्स पॉजिटिव के लिए अब तुमको दो केस बनाना पड़ेगा, ठीक है। या 0 भी, इक्वालिटी भी ले लो, क्योंकि एक्स पॉजिटिव, एक्स 0 पे इक्वालिटी है, क्योंकि अब तुम 0 डालोगे तो आउटपुट 1 आ जाएगा अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ ट्रू है। अब एक्स पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको दो केस बनाने पड़ेंगे। केस वन, एक्स ये हो, और केस टू, एक्स जो है 0 से 1 हो। ठीक है, अब तुम देखो केस वन देखो, जब एक्स 1 से बड़ा होगा तब एक्स का पावर 14 - एक्स का पावर 11 पॉजिटिव होगा। इसमें जोड़ दो x का पावर 6 - x का पावर 3, ये भी पॉजिटिव होगा। +x² + 1 तो पॉजिटिव होगा ही होगा। इसका क्या मतलब है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी हमारे डोमेन में आ गया। ठीक है, ये भी हमारे डोमेन में आ गया। अब केस टू ले लो, x जब 0 से 1 हो, 0 से 1 हो तो अब तुमको उल्टा देखना है। ठीक है, मैं इसको उल्टा करके लिख देता हूँ। x² - x³ + x का पावर 6 - x का पावर। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। 1 तो पॉजिटिव है, इसमें से मैं x² कॉमन ले लेता हूँ, 1 - x, इसमें से ये कॉमन लिया, +x का पावर 14। तुम देखो ये चीज़ तो पॉजिटिव है,
एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। अब देखो जब एक्स जो है 0 से 1 के बीच में होगा तो ये चीज़ भी पॉजिटिव, ये चीज़ तो पॉजिटिव है ही। अब क्योंकि एक्स 0 से 1 है तो 1 माइनस एक्स का पावर 5 भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो एक्स 0 से 1 भी हमारे आंसर में आ गया। तीनों का यूनियन लेना है तो यूनियन आर आ जाएगा, मतलब ये फंक्शन हर जगह डिफाइन है। ठीक है, दो सवाल है। लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर इफ नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द डोमेन ऑफ फंक्शन एल एन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एन इज 2n-11 देन एन इज। ठीक है, सवाल आसान है। एल एन के अंदर की चीज़ है तो उसको क्या बनाओ, पॉजिटिव बनाओ। ठीक है, x-1 इंटू x-n जो है नेगेटिव होना चाहिए। तो जो डोमेन आपके पास आ गया, डोमेन 1 से n आ गया है ना, तो डोमेन आपके पास यहाँ 1 रहा होगा, यहाँ n रहा होगा। अब इसके बीच में कितने इंटीजर है ये आपको गिनना है। ठीक है, मैं तुमसे बोलूँ 7 और 4 के बीच में कितने इंटीजर हैं, तो तुम मैन्युअली अगर गिनो तो 2 इंटीजर है। ये 2 आता कहाँ से है, 2 कैसे आता है मैं बताता हूँ। 7 है, 7 में से आप 4 घटा दो, मतलब 4 और 7 के बीच में पूछ रहा है ना, 4 में से 7 घटा दो और 1 घटा दो तो 2 आ गया आपके पास, वही वही वहाँ से 2 आता है। ठीक है, मैं तुमसे बोलूँ 5 और 7 के बीच में कितने इंटीजर है, तो 1 इंटीजर है, तो 1 आता कहाँ से है, 7 में से 5 घटा दो, 2 माइनस 1। ऐसा करते कि मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा ना 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने तुमसे बोला कि तुमको नंबर ऑफ इंटीजर मतलब नंबर ऑफ इंटीजर बताने हैं 1 से लेके 5 में। ठीक है, तो तुम पहले क्या करोगे, एक सेकेंड रुको, इसको मैं कैसे समझाऊँ कि जैसे तुम्हारे पास 5 लकड़ियाँ हैं मान लो, है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, तुमको तुमने 3 जो है फेंक दी तो तुम्हारे पास बची कितनी, 2 बची है ना, तो तुम 5-3 करोगे है ना, इसको एक्सक्लूड कर रहे हो और इसको इंक्लूड कर रहे हो। ठीक है, तो वैसे ही जब मैं पूछता हूँ कि 3 और 5 के बीच में कितने इंटीजर हैं, ठीक है, तो ये 1। ठीक है, तो जब तुम 5 में से 3 घटा रहे होते हो ना, तो तुम इन सबको एक्सक्लूड कर रहे होते हो, इन सबको एक्सक्लूड कर दिए और इन दोनों को इंक्लूड कर दिए। अब आपको ये तो गिनना नहीं था ना, क्योंकि आपको तो 5 से 3 और 5 के बीच का मतलब है, मतलब उससे ही मतलब रखना है, 5 और 3 के बीच में कितने इंटीजर है, तो आप इसको इंक्लूड कर दे रहे हो, तो उसको हटाने के लिए हम -1 करते हैं। ठीक है, तो n-1 के बीच में कितने इंटीजर होंगे, n-1, तो तुमने n-1 किया तो इससे पहले सभी को घटा दिया, इसको इंक्लूड किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, और इसको भी तुमने गिन लिया। n को थोड़ी गिनना था तो -1 करना पड़ेगा, तो इतने इंटीजर होंगे n और 1 के बीच में। ये उसने दे रखा है 2n-11 है ना, तो n आपके पास 9 आ गया यहाँ से, तो 9 आपका आंसर है। ठीक है, अब अगला सवाल देखो। एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन 0 से 1 देन फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन जी एक्स। ठीक है, अच्छा जी एक्स फंक्शन है, डोमेन क्या होगा, जो जो एक्स मैं पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ जी एक्स क्या है, जी एक्स को पहले मैं लिख लेता हूँ, एफ में e का पावर x प्लस एफ
एल एन मॉड एक्स, ठीक है। अब तुम देखो जो ई का पावर एक्स है ना, ई का पावर एक्स जो है 0 से 1 के बीच में ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो अल्टीमेटली ई का पावर एक्स तो एफ के अंदर जा रहा है ना, एफ के अंदर जा रहा है ना, और एफ के अंदर तो 0 से 1 क्वांटिटी ही आप भेज सकते हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में ई का पावर एक्स 0 से 1 होना चाहिए, ठीक है। अब तुम ई का पावर एक्स का ग्राफ देखोगे तो वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये जो एक्स हमारे पास आ रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ एक्स, ये एक्स हम रख सकते हैं, क्योंकि देखो क्योंकि उस एक्स के लिए ये चीज़ ई का पावर एक्स 0 से 1 के बीच में होगा, और 0 से 1 के बीच में ही हमें चाहिए। तो यहाँ से सीधा सीधा आपको दिख रहा है माइनस इन्फिनिटी से 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी देखो एल एन जो मॉड एक्स है वो 1 से 0 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मॉड एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, ई 1 से ई के बीच में आ जाएगा। इतना सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास आएगा माइनस इन्फिनिटी से -1, सॉरी यहाँ क्लोज आएगा 1 से इन्फिनिटी, यहाँ से ये आ गया। और अब यहाँ से इसके बीच में कितना हो जाएगा, एक्स बिलोंग टू -e से e। आई होप मॉड्यूलस इनइक्वालिटी आता होगा, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ का इंटरसेक्शन लेना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, -e से -1 यूनियन 1 से e। तो इस चीज़ का और इस चीज़ का यूनियन ले लो, यूनियन कह रहा हूँ, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, है ना। तो आप जब इंटरसेक्शन लेंगे तो सीधा सीधा दिख रहा है एक्स -e से -1 आ रहा है, तो जी एक्स का जो डोमेन होगा वो -e से -1 होगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, और उसको मॉड्यूलस फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। इस बारे में आपको आइडिया होगा, मॉड्यूलस फंक्शन इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू फंक्शन और वी ऑल्सो कॉल इट एज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। तो मॉड्यूलस फंक्शन का काम ये होता है कि जैसे तुम इसमें कुछ भी नंबर डालो, 5 डालो तो ये 5 रिटर्न करके दे देगा, -5 डालो तब भी ये 5 रिटर्न करके दे देगा। बेसिकली ये मैग्नीट्यूड थ्रो करता है आउटपुट में, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज द डिस्टेंस डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, इस बात को मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या करते थे, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर मैं ये लिख दूँ तो इसका क्या मतलब होता था, इसका यह मतलब होता था कि जेड का डिस्टेंस 0 से ओरिजिन से 2 के बराबर है। तो इसका डायग्राम क्या हो जाता था, एक सर्कल आ जाता था विथ अ रेडियस ऑफ 2, है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, जैसे मैं अगर लिखूँ मॉड एक्स इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब होता है एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू 2, है ना, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शन में क्या है ना, हम एक्सिस पे ही मूव कर रहे होते हैं, तो जैसे ये पॉइंट है 0,0, ठीक है। तो एक्स कहीं एक्सिस पे मूविंग पॉइंट है, ठीक है। तो एक्स तुमको ऐसा सेट करना है सच दैट उसका डिस्टेंस ओरिजिन से 2 यूनिट्स हो, या तो यहाँ पे 2 यूनिट हो सकता है या यहाँ पे 2 यूनिट हो सकता है ना। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ पे 2,0 होगा और यहाँ पे -2,0 होगा। तो एक्स आप कह सकते हो ±2 होगा। तो मॉड एक्स का मतलब इज इक्वल टू 2, मतलब एक्स इज इक्वल टू ±2। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे देखूं, मॉड एक्स -2 इज इक्वल टू 2, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो एक्स का डिस्टेंस है ना 2 से, एक्सिस पे जो एक्सिस है 2, तो जो डिस्टेंस है एक्स और 2,0 का वो 2 के बराबर है। इसका मतलब 2,0 कहीं यहाँ रहा होगा और एक्स कहीं मूविंग पॉइंट होगा, एक्स कहीं पे, है ना, एक्सिस पे ही, सच दैट ये डिस्टेंस 2 रहा होगा। तो ये कौन सा डिस्टेंस है, ये 4,0 हो गया ना, और ये
इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि मॉड एक्स माइनस टू इज इक्वल टू टू का मतलब क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 0 या 4। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका यही रिजल्ट आता है, ठीक है। तो आप एज अ डिस्टेंस इस बात को समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस में अब हम इनइक्वालिटी भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे मान लो मैंने तुम्हें लिख दिया x माइनस वन इज लेस देन 4, इसका क्या मतलब है कि 1, 0 का यहाँ पे रहा होगा। अब x एक मूविंग पॉइंट है एक्सिस पे, सच दैट उसका डिस्टेंस जो है, 4 डिस्टेंस यहाँ पे मान लिया मैं, 4 डिस्टेंस यहाँ मान लिया मैं, तो ये पॉइंट कितना हो गया, ये पॉइंट 5, 0 हो गया और ये पॉइंट -3, 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो x एक मूविंग पॉइंट है एक्सिस पे, सच दैट उसका डिस्टेंस 1, 0 से जो है 4 से भी कम है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि x यहाँ कहीं लाया कर रहा होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि x बिलोंग्स टू -3 से 5, है ना ये चीज़। तो ये इनइक्वालिटी हो गया। अच्छा, इसको अब तुम डायरेक्टली भी कैसे ओपन कर सकते हो, जब भी लेस देन साइन हो तो आप ऐसा लिख लो, एक्स माइनस वन इज लेस देन 4 और -4 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका सेम रिजल्ट आ जाएगा, हालांकि डिस्टेंस से समझ लो, है ना, डिस्टेंस से समझने का अच्छा तरीका है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मान लो अब ग्रेटर का साइन होता, तो मान लो यहाँ पे ग्रेटर देन 2 होता, तो क्या करते, इसका मतलब है कि 1, 0 का यहाँ पे x ऐसे मूव कर रहा है। पहले तो मैं बना लेता हूँ कि 2 डिस्टेंस है कहाँ, तो ये 3, 0, ये -1, 0। अच्छा, x अब एक्सिस पे मूव कर रहा है सच दैट उसका डिस्टेंस 1, 0 से 2 से भी ज़्यादा है, तो सीधा सीधा दिख रहा है x कहीं यहाँ पे लाया कर रहा होगा 3, 0 के बाद में और यहाँ पे। तो आप इसमें लिख सकते हो ये चीज़ कि x माइनस x जो है वो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी लाया कर रहा होगा, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो इस चीज़ को। अब यहाँ पे यही सब लिखा है कि x मॉड x लेस देन 1 मीन्स डिस्टेंस कवर्ड इज़ लेस देन 1 यूनिट ऑन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ओरिजिन, ठीक है। सिमिलरली आप इसको भी समझ सकते हो, है ना। एक और बात, ठीक है, कि मॉड ऑफ x ना हमेशा मॉड ऑफ माइनस x के बराबर होता है, और इन जनरल मॉड ऑफ एफ एक्स को आप हमेशा माइनस टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एफ माइनस एफ एक्स का मॉड लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि देखो एफ एक्स मान लो एक्स वन पे मान लो एफ एक्स वन पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, मान लो 5 दे रहा है, तो मैंने मॉड एक्स वन डाला इसमें, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 5, तो ये 5 हो गया, ठीक है। अब मैंने आर एच एस में डाला तो माइनस एफ एक्स वन आया यहाँ पे, ठीक है, ये क्या होगा, मॉड ऑफ माइनस 5, 5 ही आ गया ना। आप हमेशा ये लिख सकते हो, मॉड एक्स को माइनस एक्स का मॉड लिख सकते हो, और एफ एक्स के मॉड को माइनस एफ एक्स का मॉड लिख सकते हो, ठीक है। इतना अच्छा, अब हम इस पे आ जाते हैं, मॉड्यूलस ऑफ एक्स पे, ठीक है। अच्छा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स दिया है, ठीक है। अगर मैं x को पॉजिटिव डालूं, मान लो x को मैं 0. इसको y मान लो थोड़ी देर के लिए, 0.01 डालूं, तो y क्या मिलेगा मुझे, 0.01 मिलेगा। x को मैं 2 डाल रहा हूं, तो y भी मुझे 2 मिल रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जब जब तुम x ग्रेटर देन 0 डाल रहे हो, तुमको आउटपुट जो है वही मिल रहा है जो तुम डाल रहे हो। इसका क्या मतलब है कि जब x को तुम पॉजिटिव रखते हो तब y इज इक्वल टू x तुम्हें मिलता है ना। हालांकि तुम यहाँ पे इक्वालिटी भी लगा सकते हो, क्योंकि
जीरो का मॉड जीरो ही होता है, ठीक है, तो इस केस में वाई इज इक्वल टू एक्स ही मिलेगा आपको जीरो के लिए। तो जब तुम एक्स को पॉजिटिव रखते हो तब वाई क्या आपको मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, ठीक है। और ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है ना कि ये एक्स मिला आपको जब एक्स आपने ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा रखा। सिमिलरली अगर मान लो मैं एक्स के जगह नेगेटिव वैल्यू रखना चालू कर देता, -0.01 रखता है एक्स के जगह, तो वाई क्या मिलता है, 0.01 मिलता। एक्स को मैं अगर -2 रखूँ तो वाई तुमको 2 मिलेगा। तो देखने से तो हमें ऐसा लग रहा है ना कि जब जब आप एक्स लेस देन ज़ीरो पुट कर रहे हो आपको आउटपुट माइनस टाइम्स ऑफ जो आप रख रहे हो वो मिल रहा है। इसका क्या मतलब है, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स, तो वही इन्होंने लिखा है। तो एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए वाई इज इक्वल टू एक्स बिहेवियर है, और जब एक्स लेस देन ज़ीरो है तो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स बिहेवियर है, ठीक है। तो ग्राफ आप इसका ऐसे देख सकते हो, ग्राफ हर जगह कंटिन्यूस है ना, डिफरेंशिएबल नहीं है ओरिजिन पे, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी की बात खैर हम बाद में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अभी के लिए देखो कंटिन्यूस है ना। डोमेन इसका आर है, आप कुछ भी रख सकते हो एक्स की जगह, और रेंज ज़ीरो से इन्फिनिटी है, देखने से ही पता चल रहा है, ठीक है। अच्छा मैं तुमको एक और बात बताता हूँ कि मॉड एक्स का स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हो या मॉड एफ एक्स इन जनरल कुछ भी, एस के स्क्वायर को आप ये लिख सकते हो, ठीक है, ये भी पता ही होगा खैर, ठीक है। क्योंकि देखो एफ एक्स कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, जब ये मॉड इसमें लगेगा तो वो पॉजिटिव बना देगा, और पॉजिटिव का कुछ स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। अब चलो मान लो भले x नेगेटिव है, उसका स्क्वायर करोगे तो वो तो उस बराबर ही तो आएगा, तो कॉमन सेंस की बात है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिए, ठीक है। अच्छा अब कुछ नोट है, ठीक है, क्या कह रहा है, इफ़ मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y, इसका मतलब होता है कि एक्स वाई जो है सेम साइन के होने चाहिए, एक्स कॉमा वाई सेम साइन के होंगे, ठीक है। प्रूफ कैसे आता है, प्रूफ सिंपल है, आप स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड, तो स्क्वायरिंग कर लोगे तो मॉड एक्स प्लस वाई का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड वाई स्क्वायर प्लस टू मॉड एक्स मॉड वाई। अब एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ, मॉड एक्स के स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ सिंपली, और टू मॉड एक्स मॉड वाई। तो यहाँ से आपके पास एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स मॉड वाई आएगा। ये कब पॉसिबल है, जब एक्स और वाई सेम साइन के होंगे, क्योंकि अगर एक्स और वाई अपोजिट साइन के हो गए, मान लो एक्स पॉजिटिव रहा और वाई नेगेटिव रहा, तो एल एच एस तो एक्स वाई ही है, आर एच एस में देखो एक्स पॉजिटिव है तो एक्स रिटर्न होगा और y नेगेटिव है तो माइनस वाई रिटेन होगा, ठीक है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई आ गया आपके पास, ये तो एब्सर्ड सा रिजल्ट है, 1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो इसीलिए अपोजिट साइन के नहीं होंगे, सेम साइन के होंगे, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हो उसको। सिमिलरली दूसरा रिजल्ट भी आप प्रूफ कर सकते हो, स्क्वेयरिंग ही करना है ना। इनफैक्ट दूसरे नोट में इन्होंने किया कुछ नहीं है, वाई के जगह माइनस वाई सब्सटीट्यूट किया है, तो वाई के जगह अगर मैं माइनस वाई सब्सटीट्यूट कर दूं तो माइनस एक्स वाई पॉजिटिव आना चाहिए पहले रिजल्ट के हिसाब से, तो एक्स वाई क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। तो यही चीज़ आप सेकेंड ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। आप कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले इसको करते हैं हम, ठीक है, इसको करते हैं। फाइंड जी एक्स इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस वन टाइम्स ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ जी एक्स प्लस, अच्छा अब तुम देखो ये चीज़ पॉजिटिव है, ये चीज़ भी पॉजिटिव है ना। अच्छा पॉजिटिव देखने से पहले तुम ये देखो कि ये इक्वेशन वैलिड कब होगा, ये इक्वेशन तो तभी वैलिड होगा ना जब सारी चीज़ें डिफाइंड हो। मान लो
ये डिफाइन ही नहीं हुआ, तुमने कुछ ऊट पटांग एक्स रख दिया है तो डिफाइन फिर नहीं होगा ना। तो इस इक्वेशन को ट्रू होने के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या हर टर्म डिफाइंड है, तो आपको इसका डोमेन जो है हर एक एक टर्म का देखना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले इसका डोमेन देखो, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन टू से इन्फिनिटी। अब आप इसके बाहर नहीं रख सकते कोई एक्स, नहीं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना, और ये अनडिफाइंड हो गया फिर तो क्वेश्चन कैसे ही सॉल्व कर पाओगे तुम, ठीक है। तो इसका ये मतलब है। अच्छा, तो डोमेन हमारे पास ये आ गई। अब तुम देखो ये क्योंकि एक अंडर रूट के अंदर है तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, क्योंकि अंडर रूट फंक्शन है, ये मॉड है तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्या साइन होगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस फोर तो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना ही चाहिए क्योंकि इसको डिफाइन करना है। तो एक्स स्क्वायर अगर चार से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन भी तो पॉजिटिव ही होगा, तो ये भी सॉरी यहाँ पे इक्वालिटी नहीं, ये भी तो पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव, और ये तो एक्स स्क्वायर माइनस वन हमारा पॉजिटिव आ गया। अब जी एक्स को भी ना पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर जी एक्स नेगेटिव हो गया ना तो एल एच एस में नेगेटिव आ जाएगा, आर एच एस में पॉजिटिव, तो इक्वालिटी तो कभी होल्ड ही नहीं करेगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जो भी डोमेन होगा, जो भी हम एक्स रख सकते हैं, उसके लिए जी एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ ना इस इक्वेशन को वापस, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू जी एक्स इज इक्वल टू मॉड जी एक्स, क्या होगा, सिंपली जी एक्स होगा, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो मैं जी एक्स सिंपली कह सकता हूँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो आपका जी एक्स आ गया, ठीक है। नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं, ठीक है, इसको करते हैं पहले सवाल को। फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस फोर का मॉड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन का मॉड इज इक्वल टू फाइव। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस, मैंने उल्टा लिख दिया इसको, नाइन माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, लिख सकता हूँ इज इक्वल टू फाइव। अब तुम देखो ये ऐसा कुछ नहीं लिखा, मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का मॉड, ऐसा कुछ लिखा है ना ये। तो इसका क्या मतलब होता है कि ए बी का जो प्रोडक्ट है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन लगा दो कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर और नाइन माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस थ्री, ये नेगेटिव होना चाहिए, है ना, नॉन पॉजिटिव, ठीक है। वेवी कर्व बना लो, माइनस थ्री माइनस टू टू और थ्री, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपके पास एक्स क्या आ गया, एक्स आपके पास माइनस थ्री से माइनस टू यूनियन टू से थ्री आ गया, है ना। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, नोट करो, फिर नेक्स्ट सवाल लेते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स, ठीक है, इसको मैं फिर से उल्टा करके लिख देता हूँ, प्लस मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन। अच्छा, अब ये वही चीज़ की है, मॉड ए प्लस मॉड बी लिखा है और ये मॉड ए प्लस बी लिखा है, तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब है कि साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तब अगेन तुम वेवी कर्व बना लो, रूट्स पता कर लो, एक रूट इसका ज़ीरो पे आएगा, साइन एक्स कहाँ कहाँ ज़ीरो हो रहा, फिर पाए पे आएगा, है ना, और आपको टू पाए तक ही जाना है, तो टू पाए, ठीक है, ये क्या हो गया, माइनस पाए हो गया और ये माइनस टू पाए हो गया, ठीक है। अब पाए से टू पाए में देखो, पाए से टू पाए में ये चीज़ क्या है, पॉजिटिव है ना, और पाए से टू पाए में ये चीज़ क्या है, नेगेटिव है, तो ये चीज़ नेगेटिव हो गया,
अब देखो, वन से पाए में ये चीज़ पॉजिटिव और वन से पाए में साइन एक्स भी पॉजिटिव, तो हमारा ये एक्सेप्ट हो जाएगा ये इंटरवल। अब ये चीज़ नेगेटिव है ज़ीरो से वन में, है ना, ज़ीरो से वन में ये जो एल एच एस है वो नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया माइनस टू पाए से माइनस पाए, यूनियन माइनस वन से ज़ीरो, यूनियन वन से पाए, यूनियन एलिमेंटल टू पाए, मतलब एलिमेंट भी आएगा टू पाए भी आएगा, इसको मिस आउट मत कर देना, क्योंकि टू पाए पुट करो सेटिस्फाई हो रहा है ना, हमें तो रूट भी लेने थे ना इसके, अरे रूट पे भी तो सेटिस्फाई करेगा ना, तो इसके सारे रूट भी तो इंक्लूड करो, तो टू पाए भी इंक्लूड होगा, ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, नोट कर लो इतना। कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ये चीज़ है, अब ये भी सेम ही चीज़ है, डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होना चाहिए, इसको तुम लिख लो कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मस्ट बी नॉन नेगेटिव। अब तुम देखो कोसेक इंटू कॉट, ये जो प्रोडक्ट है ये पॉजिटिव कब कब होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मैं कह सकता हूँ ना कि x जब जब पाए बाय टू, माइनस पाए बाय टू और पाए बाय टू के बीच में होगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तब तक ये चीज़ पॉजिटिव रही होगी, ठीक है, तो अब इसको आप जनरलाइज कर दो, टू एन पाए प्लस पाए बाय टू और टू एन पाए माइनस पाए बाय टू, ठीक है ये अच्छा। लेकिन अब आपको इसमें से वो x भी हटाने पड़ेंगे जहाँ पे कोसेक x और कॉट x डिफाइंड ना हो, तो तुम देखो ज़ीरो से माइनस पाए बाय टू से पाए बाय टू में कहाँ कहाँ पे ये साइन x ज़ीरो होता है, ज़ीरो पे ज़ीरो होता है ना, तो आप इसमें से जो है ना वो x हटा दे जिस पे साइन x ज़ीरो हो रहा है, तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n पाए माइनस पाए बाय टू से 2n पाए प्लस पाए बाय टू, लेकिन इसमें से आप 2n पाए घटा दो, क्योंकि 2n पाए पे ये चीज़ क्या ज़ीरो हो जाती है, मतलब साइन x ज़ीरो हो जाता है, तो अनडिफाइंड हो जाएगा कोसेक x कॉट x, है ना, तो ये आपका फाइनल आंसर है, और n जो है नेचुरल नंबर मतलब इंटीजर है, ठीक है, तो नोट करो इसको। अगले सवाल पे आते हैं, है ना, साइन इनवर्स x माइनस टू, ठीक है, मॉड है सॉरी, प्लस कॉस इनवर्स वन माइनस मॉड x माइनस थ्री, ठीक है, इज इक्वल टू पाए बाय टू। अच्छा मैं अभी बता देता हूँ, ये चीज़ तब ट्रू होती है जब ये टर्म कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स का टर्म जो है जब इक्वल होता है, ठीक है, तब होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाए बाय टू, ठीक है, तो आप इसमें लिख लो ये चीज़ कि इक्वल होना चाहिए, तो आपके पास सिंपली ये आ गया, प्लस मैं इसको उल्टा करके लिख देता हूँ, अब एक्स माइनस टू इंटू थ्री माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना, तो x आपके पास क्या आ जाएगा, टू से थ्री आ गया, ठीक है ये, तो ये आपका आंसर है, नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ठीक है। पहला सवाल जो है इसमें ये दे रखा है, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले तो आप इसको फैक्टराइज थोड़ा सा कर लो, है ना,
अंदर वाली चीज़ को, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब देखो डिफरेंट डिफरेंट एक्स के लिए मॉड्यूलस का बिहेवियर डिफरेंट होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ एक्स के लिए हो सकता है ये चीज़ पॉजिटिव हो तो मॉड पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, और कुछ एक्स के लिए ये चीज़ अगर नेगेटिव हो गई तो मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा। तो मैं केस वन बना लेता हूँ कि एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री जो मॉड के अंदर की चीज़ है वो नॉन नेगेटिव है। तो इसका क्या मतलब है कि एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, सॉरी वन प्लस वन आ गया यहाँ पे, और ये थ्री से इन्फिनिटी। ठीक है ना, ये केस वन है कि एक्स इसमें इसमें लाए कर रहा है, तब ये पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो एक्स क्यूब, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना आ जाएगा, ये माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। अब एक्स का कोफिशियंट कलेक्ट कर लो तो एक्स, ठीक है, तो टेन एक्स आ जाएगा, और ये माइनस थ्री माइनस एट आ जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसके रूट अब हिट एंड ट्रायल से करो, इसका एक रूट वन दिखता है। ठीक है, तो एक्स माइनस वन लिख लिया। ठीक है, एक्स क्यूब बनाना है तो एक्स स्क्वायर रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब बनेगा। अब माइनस एट बनाना है तो यहाँ पे ज़रूर प्लस एट रहा होगा, क्योंकि तभी ये प्लस एट और माइनस वन जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, अपना माइनस एट बनेगा। अब यहाँ पे माइनस टू एक्स रहा होगा, माइनस टू एक्स क्यों रहा होगा, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हमें माइनस थ्री चाहिए। माइनस थ्री कब जनरेट होगा, जब ये माइनस वन इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, और जब ये एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू एक्स स्क्वायर बनेगा। तो नेट कोफिशियंट जो है एक्स स्क्वायर का वो माइनस थ्री बन जाएगा। तो ये चीज़ आ गया, अब यहाँ से हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वन ही आया एक सॉल्यूशन। ये चीज़ यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा इसका, जो दूसरा फैक्टर है क्वाड्रेटिक जो है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू वन हमारा सॉल्यूशन आ गया, और x इज इक्वल टू वन इस इंटरवल में लाए भी कर रहा है, तो x इज इक्वल टू वन इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं केस टू ले लेता हूँ कि जब ये चीज़ नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया, इसका मतलब एक्स जो है वन से थ्री के बीच में है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मैं इतने टर्म को, ये जो टर्म है वहाँ ले गया, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस थ्री। ठीक लिखा है ना ये एक्स क्यूब माइनस, हाँ। तो ये फाइनली आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, ये माइनस पाँच माइनस सेवन बनेगा, माइनस सेवन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस फोर एक्स, है ना, ये सेवन लिखा है यहाँ पे। ठीक है, फोर एक्स और ये पाँच तीन दो। देखो इसका भी एक फैक्टर वन है, तो एक्स माइनस वन अलग कर लिया, ये चीज़। अब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर चाहिए हमें, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स आया होगा यहाँ पर। ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से एक्स इज इक्वल टू वन आया आपके पास, और क्या आया, थ्री प्लस माइनस छत्तीस आठ चवालीस। ठीक है, ये आया। तो तुम देखो एक सॉल्यूशन तो आया x इज इक्वल टू वन, ठीक है, x इज इक्वल टू वन आया, क्या ये x इज इक्वल टू वन इस इंटरवल में है, नहीं है, तो ये रिजेक्ट। क्या x इज इक्वल टू थ्री प्लस रूट इलेवन इस इंटरवल में है, ये जो इंटरवल, नहीं, तो ये भी रिजेक्ट। क्या x इज इक्वल टू
थ्री माइनस रूट इलेवन इस इंटरवल में है, नहीं है तो ये भी रिजेक्ट। तो इस केस से कोई रिजल्ट नहीं आया हमारे पास। तो फाइनली इसका आंसर क्या आया हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू वन इज़ दी ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, नोट करो इसको, फिर अगला सवाल लेते हैं। सेकेंड जो प्रॉब्लम है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू ए इंटू मॉड एक्स माइनस ए माइनस थ्री ए स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं गिवन दैट ए इज़ नेगेटिव और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अगेन अब इसमें तुमको दो केस बनाने पड़ेंगे। पहला केस मैं बना रहा हूँ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो, तो इस केस में क्या होगा, मॉड्यूलस पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। तो मैं सिंपली इसको x माइनस ए लिख सकता हूँ, माइनस थ्री ए स्क्वायर बराबर ज़ीरो। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो x आपके पास क्या आ गया, x आपके पास आ गया टू ए प्लस माइनस, ठीक है, एट ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन टू। तो x आपको क्या क्या आता हुआ दिख गया, ए प्लस माइनस ए रूट टू, तो एक्स आपके पास क्या आ गया वन प्लस रूट टू और वन माइनस रूट टू। ठीक है, अब तुम देखो हम क्या मान के चले थे कि एक्स जो है ए से बड़ा होगा। अब ए अगर खुद में एक नेगेटिव क्वांटिटी है तो ये चीज़ ज़्यादा नेगेटिव होगा, है ना, ज़्यादा नेगेटिव होगा। तो ज़्यादा नेगेटिव होगा तो क्या ये एक्स ए से बड़ा है, नहीं है, तो ये सॉल्यूशन हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया इसको। अब देखो, अब वन माइनस रूट टू जो है वो एक पॉजिटिव, वो खुद में एक नेगेटिव क्वांटिटी है और ए भी एक नेगेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी, पूरी चीज़ पॉजिटिव। और क्या इस केस में एक्स ए से बड़ा है, हाँ है, तो ये सॉल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो एक सॉल्यूशन तो हमारे पास आ गया एक्स इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस रूट टू। ठीक है, अब हम इसका दूसरा केस भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा केस क्या है कि x जो है वो a से छोटा है, a से छोटा है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो आपके पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस फाइव ए स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो x आपके पास क्या आया, माइनस टू ए प्लस माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर ए स्क्वायर अपॉन टू। एक्स आपके पास आ गया माइनस ए, ठीक है, माइनस ए और यहाँ से कितना छः, तो चार, फोर इंटू सिक्स लिख सकते हैं ना, हाँ, तो प्लस माइनस ए रूट सिक्स। ठीक है, ये चीज़ आपका आ गया। अब आप इसको ऐसे देख सकते हो कि एक्स वन, एक जो सॉल्यूशन आया वो आपके पास आया a इंटू माइनस वन प्लस रूट सिक्स, और x2 जो आया वो आपके पास a माइनस वन माइनस रूट सिक्स। ठीक है, अच्छा अब तुम देखो रूट सिक्स माइनस वन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, और वो a से जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या ये x a से छोटा होगा, हाँ होगा, तो ये सॉल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। हालांकि ये सॉल्यूशन हमारा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस वन माइनस रूट सिक्स जो है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव जब करोगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी। लेकिन तुम क्या मान रहे थे कि एक्स तो ए से छोटा होना चाहिए, और ए अगर खुद में नेगेटिव है तो एक्स को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तो ये सॉल्यूशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो दूसरा सॉल्यूशन आपका क्या आ गया, ए टाइम्स ऑफ माइनस वन मतलब रूट सिक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, थर्ड जो है कि मॉड ऑफ
मॉड 2x माइनस 1 जो है माइनस 3, ये लेस देन 2 है। ठीक है, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो अगर तुमको कुछ ऐसा दिया हो तो तुम सिंपली इसको लिख सकते हो, ये चीज़ है ना, तो इसको भी तुम ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है, इसको तुम लिख लो मॉड 2x माइनस 1 माइनस 3, माइनस 2 से 2 के बीच में होगा है ना, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2x माइनस 1 का जो मॉड है वो 1 से 5 के बीच में रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब आपको केस 1 लेना पड़ेगा कि x जो है हाफ या हाफ से बड़ा हो। ठीक है, तो मॉड किसके साथ खुलेगा, पॉजिटिव साइन के साथ, और दूसरा केस जब x नेगेटिव होगा, x जब हाफ से छोटा होगा तो जो मॉड है वो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। ठीक है, तो जो पहला केस हम लेते हैं तो 2x माइनस 1 पॉजिटिव साइन के साथ खुला मॉड, तो ये 5 और ये 1 हो गया, तो यहाँ से आपके पास x सिंपली इतना आ गया 1 से 3 के बीच में। ठीक है, क्या ये 1 से 3 जो है इंटरवल इसमें लाई कर रहा है? हाँ कर रहा है, तो ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा। अब दूसरा जो सॉल्यूशन है, दूसरा जो केस है, x जब हाफ से कम है तब ये मॉड नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो 1 माइनस 2x मैं लिख सकता हूँ इसको, ये 5 से 1 के बीच में होगा, तो 2x माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 5 से माइनस 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो x कहाँ से कहाँ आ गया, ये माइनस 4 बटा 2 माइनस 2, ये इंटरवल जो आया, क्या ये इंटरवल इसमें लाए कर रहा है? हाँ कर रहा है, तो ये सॉल्यूशन भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसका जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा वो ये दोनों आएगा, तो x बिलोंग टू 1 से 3 यूनियन माइनस 2 से 0, तो ये आपका आंसर है। नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, अब अगला सवाल ले लेते हैं। क्या है अगले सवाल में, एक्स क्यूब माइनस एक्स जो है वो ऐसा होना चाहिए। अब आप इसमें ये नहीं कर सकते कि एक्स क्यूब माइनस एक्स को मैं ये लिख दूँ, क्यों नहीं कर सकते? आप ये तभी कर सकते हो जब RHS में ना कांस्टेंट हो, क्योंकि मान लो x नेगेटिव हो गया तो इसका क्या मतलब है, मान लो x कुछ नेगेटिव है, माइनस 5 है मान लो, तो इसका क्या मतलब है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स क्या होगा, माइनस 5, मतलब 5 से बड़ा लेकिन माइनस 5 से छोटा, तो एब्सर्ड सिचुएशन है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, जब भी आपको ऐसा कुछ दिया हो, कुछ फंक्शन दिया हो और वो किसी दूसरे फंक्शन से ग्रेटर हो, लेस हो, कुछ भी हो, दोनों साइड अगर फंक्शन दिया ना, तो आपको डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स के लिए आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा मॉड को। ठीक है, तो मैं अगर इसमें लिखूँ मॉड को तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए। अब इस चीज़ का आप वेवी कर्व बनाओ, 0 माइनस 1 और 1, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। केस 1 में लेके चल रहा हूँ कि x जो है वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1, ठीक है, सॉरी हम पहले पॉजिटिव केस ले लेते हैं, माइनस 1 से 0, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट्स यूनियन 1 से इन्फिनिटी। केस 1 मैंने ये ले लिया, तो मॉड किसके साथ खुलेगा, पॉजिटिव साइन के साथ मॉड खुलेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ये चीज़, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x अगर मैं कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बन जाएगा ना, x मैंने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, अब इसका वेवी कर्व बना लो, तो एक रूट इसका क्या है, माइनस रूट 2 है, एक रूट 0 है, दूसरा रूट ये है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक बात है ये, तो सॉल्यूशन क्या है, 0 से रूट 2
और माइनस रूट टू से छोटा, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ एक्स जो है माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट टू यूनियन ज़ीरो से रूट टू रहा, ठीक है। अब ये रिज़ल्ट क्या आया केस वन मानते हुए, तो आपको फाइनल आंसर के लिए केस वन से जो आ रहा है आपको इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना होगा। तो आप इंटरसेक्शन अब ले लो, माइनस रूट टू कहीं यहाँ लाया कर रहा है, ज़ीरो कहीं यहाँ लाया कर रहा है, रूट टू कहीं यहाँ लाया कर रहा है। माइनस वन मैंने मान लिया यहाँ पे होगा, वन यहाँ पे होगा। जो ये जो है ये क्या कह रहा है कि माइनस वन से ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है, माइनस वन से ज़ीरो और वन से इन्फिनिटी, तो ये वन से इन्फिनिटी। दूसरा क्या कह रहा है कि ये माइनस रूट टू से छोटा होना चाहिए और ये ज़ीरो से रूट टू होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन क्या आ गया आपका, इंटरसेक्शन ये आ गया ना, इतना पोर्शन है ना, इतना पोर्शन और साथ में ज़ीरो भी कॉमन आ रहा है। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ से क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू वन से रूट टू यूनियन एलिमेंटल ज़ीरो, ठीक है। तो ये केस वन से इसका आंसर आ गया। अब केस टू देखते हैं इसका, इसका केस टू अब देखते हैं। केस टू क्या कहता है कि जब मॉड जो है नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो इसका मतलब एक्स जो है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, ये मैंने आंसर लिख रखा है केस वन का यहाँ पे जो है ये, ठीक है, माइनस वन यूनियन ज़ीरो से वन, ठीक है। केस टू ये हो गया, तो ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा मॉड, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, दिस मस्ट बी पॉजिटिव, एक्स क्यूब मस्ट बी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि एक्स जो है वो ये होना चाहिए। अब केस टू आंसर लाने के लिए इसका और इसका आप क्या करो, इंटरसेक्शन ले लो। तो इंटरसेक्शन साफ ही दिख रहा है, क्या आएगा इसका इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन आएगा एक्स बिलोंग टू ज़ीरो से वन, है ना। तो ये सेकंड केस का आंसर, ये फर्स्ट केस का आंसर। तो अगर आपको फाइनल आंसर चाहिए तो आपको केस वन और केस टू का क्या लेना होगा, यूनियन लेना होगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू ज़ीरो से वन यूनियन, ज़ीरो से वन यूनियन, ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो, ज़ीरो से वन जाना है, ज़ीरो भी इंक्लूड करना है, तो ज़ीरो वन भी इंक्लूड करना है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं। फिफ्थ प्रॉब्लम पे आते हैं कि एक्स माइनस मॉड एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर, ठीक है। अब इसमें आपको अगेन केसेस बनाने पड़ेंगे कि अंदर का मॉड कब मतलब कब अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है। तो मैंने केस वन मान लिया कि एक्स जब है जब चार या चार से बड़ा हो, तो अंदर का जो मॉड है वो पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो इज़ इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर, तो ये मॉड फोर इज़ इक्वल टू टू एक्स आ जाएगा, सही लिखा है ना मैंने, प्लस फोर, ठीक है। तो x ज़ीरो आ गया, क्या x इज इक्वल टू ज़ीरो इस इंटरवल में है, नहीं है, तो यहाँ से कोई रिज़ल्ट नहीं आया आपका, इसको रिजेक्ट कर दो, ठीक है। अब हम केस टू की बात करते हैं कि x जब चार से छोटा है, x जब चार से छोटा है तो ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, नेगेटिव ऑफ ये नेगेटिव ऑफ x माइनस फोर, है ना, इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर, तो ये x प्लस एक्स माइनस फोर हो गया इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर, तो ये आपके पास x माइनस टू आ गया इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ठीक है। जो टू मैंने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया और वहाँ भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको केस बनाने पड़ेंगे, केस केस वन, ठीक है,
एक्स जो है दो से बड़ा हो, है ना। एक्स जो है इसको ऐसे लिख लो, एक्स जो है चार से तो छोटा हो लेकिन दो से बड़ा हो, ठीक है, क्योंकि आप चार से बड़ा ले नहीं सकते। तो एक्स अगर दो से बड़ा होगा तो उसको चार से कम होना पड़ेगा, क्योंकि आप चार से बड़ी चीज़ ले नहीं सकते। तो मॉड किसके साथ खुलेगा? पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, तो एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस टू आएगा, तो माइनस टू इज इक्वल टू टू आएगा। तो ये तो रबिश है, ठीक है, तो कोई रिजल्ट नहीं आया यहाँ से। दूसरा केस ले लो, एक्स जब दो से छोटा हो, दो से छोटा होगा तो ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो टू माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू आएगा, एक्स ज़ीरो आ गया, ठीक है, एक्स ज़ीरो आ गया आपके पास। तो यहाँ से क्या ये चीज़ यहाँ पे लाया कर रहा है? हाँ कर रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो आपका एक आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। नोट करो, फिर नेक्स्ट सवाल लेते हैं। सिक्स सवाल क्या दे रखा है? लॉग बेस थ्री दे रखा है ना। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स का मॉड है अपॉन थ्री प्लस एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस फाइव, ठीक है। तीन क्योंकि वन से बड़ा है, वहाँ भेजूँगा तो इक्वालिटी मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ। ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे फिर से वही चीज़ करना पड़ेगा। एक्स जैसे जैसे बदलेगा मॉड अपना डेफिनेशन चेंज करेगा, ठीक है। तो तुम देखो, पहला जो न्यूमरेटर में मॉड है वो ज़ीरो पे डेफिनेशन चेंज कर रहा है, फोर पे डेफिनेशन चेंज कर रहा है, ठीक है, और नीचे वाला मॉड पाँच पे डेफिनेशन चेंज कर रहा है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट अब केसेस लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं केस वन ले रहा हूँ, केस वन ले लेता हूँ मैं, कि एक्स जो है माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो हो, ठीक है, यूनियन चार से पाँच हो, पहला केस। अच्छा, मैंने चार से पाँच क्यों लिया? क्योंकि देखो, अगर मैं चार के बाद ले लेता, मान लो इंटरवल, चार के बाद इंटरवल ले लेता, जैसे माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो क्लोज और फोर से फाइव में है क्या, ये चीज़ पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, ठीक है, और ये चीज़ नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। तो कोई भी मॉड्यूलस जो है वो इस इंटरवल में साइन चेंज नहीं कर रहा है अपना, जैसे पहले खुल रहा था वैसे ही खुलेगा। अगर मैं यहाँ से चार से इन्फिनिटी ले लिया होता ना, तो ये गड़बड़ करता, ये वाला मॉड्यूलस गड़बड़ क्यों करता है? क्योंकि चार से इन्फिनिटी मान लो मैंने ले लिया, तो चार से पाँच में तो नेगेटिव से खुलता, लेकिन पाँच से जब तुम बड़ा वैल्यू ले लेते तो ये पॉजिटिव साइन के साथ खुल जाता, ठीक है, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाता, ठीक है। तो हमेशा वो इंटरवल चूज़ करो जिसमें थ्रू आउट एक मॉड्यूलस या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। कहने का मतलब वो साइन चेंज नहीं करना चाहिए। तो पहला केस मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो हम पहला इंटरवल फिर ये मान लेते हैं। अच्छा, इस इंटरवल में अब देखो, अब इस इनइक्वालिटी में तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ पॉजिटिव है, ये चीज़ भी पॉजिटिव है, दोनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और इस इंटरवल में ये मॉड जो है पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, तो मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर। अब ये मॉड किसके साथ खुलेगा? हाँ, ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो फाइव माइनस एक्स, तो ये कैंसिल, आपके पास क्या आ गया, ये वहाँ पे थ्री एक्स और यहाँ पे माइनस टू, तो एक्स माइनस टू बाय थ्री से छोटा आ गया। सही किया है ना ये मैंने, फोर एक्स वहाँ आ गया, थ्री एक्स और ये, ठीक है। तो एक्स माइनस टू बाय थ्री से इक्वल या लेस आ गया। तो इसका और इसका आप क्या ले लो, इंटरसेक्शन आप ले लो इसका, ठीक है। तो इंटरसेक्शन लोगे तो सीधा सीधा दिख रहा है क्या आएगा, एक्स बिलोंग टू
माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2/3। तो ये पहला आंसर हमारा पहले केस से आ गया, जिसमें हमने क्या क्या एक्स कवर किया है, 0 से इन्फिनिटी, 4 से 5, ठीक है। अच्छा अब केस सेकंड में ले लेता हूँ, ठीक है। केस सेकंड क्या है, ठीक है, 5 पे आप ओपन कर लो, है ना, 5 पे ओपन है, अब मैं केस 2 ले लेता हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए ये चीज़ अगेन पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 होगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 5, अगेन ये उड़ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आया, x लेस देन 8/5 आ गया। अब ये बोल रहा है x 5 से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है 8/5 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ से तो कोई आंसर ही नहीं आया ना, ठीक है, तो यहाँ से कोई आंसर नहीं आएगा। तो अब हम केस थर्ड ले लेते हैं, जो बचा हुआ केस है, है ना, हमने 5 से लेके इन्फिनिटी भी कवर कर दिया। अब एक केस बचा है 0 से 4 के बीच में, तो वो हम ले लेते हैं, x जब 0 से 4 के बीच में होगा। अच्छा 0 से 4 के अगर ये बीच में हुआ तो ये तो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और ये भी नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, ठीक है, प्लस 5 माइनस एक्स, सही लिखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स माइनस 5x, है ना, प्लस 2, है ना, दिस ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है, इतना। तो इसको आप स्प्लिट कर लो, माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 2, तो 2x, ये x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2, तो ये 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 आ गया। तो x आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, हाफ से 2 आ जाएगा, सही है ना, ये हाफ से 2। तो जब आप इसका इंटरसेक्शन लोगे तो यही चीज़ आ जाएगा। तो थर्ड केस से आपका क्या आया सॉल्यूशन, हाफ से 2, ठीक है, ये थर्ड केस से सॉल्यूशन आया था। अब आपको फाइनल आंसर चाहिए तो आप यूनियन ले लो, तो फाइनल आंसर क्या होगा, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2/3 यूनियन हाफ से 2, ठीक है, नोट कर लो, फिर अगला सवाल लेते हैं, ठीक है, अगला सवाल लेते हैं हम, सेवेंथ प्रॉब्लम ये दे रखा है, मॉड एक्स कह रहा हूँ, रूट एक्स प्लस मॉड रूट एक्स माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू लॉग 9, ये क्या दे रखा है, 4 रूट एक्स माइनस 3 प्लस 4 रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये लॉग 3 लिखा है ना, रूट एक्स प्लस ऐसा कुछ लिखा है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, लॉग का प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं 2 को वहाँ ले जाता हूँ, तो 2 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 2 को अब यहाँ ले जाओ, तो ये स्क्वायर हो गया, लॉग 3 से लॉग 3 उड़ा दो, तो आपके पास सिंपली ये चीज़ आ गया, इसका स्क्वायर बराबर ठीक है। अब आपको देखना है कि मॉड कहाँ कहाँ अपना साइन चेंज करेगा, मतलब डेफिनेशन कहाँ चेंज करेगा, तो आप रूट निकाल लो, मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर जो है उसके रूट्स निकाल लो आप,
तो रूट क्या आ रहा है, एक वन ही तो आ रहा है ना। और एक्स जो है, अब यहाँ पे केस बना लो, केस वन, जब एक्स ग्रेटर देन वन होगा, ठीक है, ग्रेटर देन वन होगा इस, तो मॉड किसके साथ खुलेगा, पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। ये चीज़ बराबर फोर रूट एक्स माइनस थ्री प्लस फोर रूट एक्स माइनस फोर, ये चीज़ है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, टू रूट एक्स माइनस वन, सॉरी माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एट रूट एक्स माइनस सेवन का स्क्वायर। सही लिखा है मैंने? ठीक है। तो अब अच्छा स्क्वायर नहीं होगा, क्या कर रहा हूँ अब स्क्वायर करो अब, ठीक है। तो फोर एक्स प्लस वन माइनस फोर रूट एक्स इज इक्वल टू एट रूट एक्स माइनस सेवन। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, फोर एक्स माइनस ट्वेल्व रूट एक्स, ठीक है, प्लस एट बराबर ज़ीरो, तो रूट एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री रूट एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट क्या आया, रूट एक्स माइनस वन इंटू रूट एक्स माइनस टू बराबर ज़ीरो। तो यहाँ से आपके पास x क्या आया, x वन आया और x आपके पास चार आया, ठीक है। तो क्या ये दोनों चीज़ें इसमें लाया कर रही हैं? हाँ कर रही हैं। तो x इज इक्वल टू वन और x इज इक्वल टू फोर, ये हमारा एक सॉल्यूशन होगा इस प्रॉब्लम का, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू वन कॉमा फोर। अब केस टू ले लो, केस टू में क्या लेना पड़ेगा आपको, x लेस देन वन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ आप नेगेटिव कर दो, यहाँ पॉजिटिव कर दो, ठीक है। यहाँ पे वन आ जाएगा और यहाँ भी वन आ जाएगा, तो ये चीज़ तो ट्रू हो गई है ना। मतलब एक्स को तुम लेस देन वन, अच्छा लेस देन वन, यहाँ पे एक और रिमाइंडर कि एक्स ज़ीरो से बड़ा होगा, क्योंकि ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होगा, क्योंकि ये अगर ज़ीरो से छोटा तुमने कुछ रख दिया तो अंडर रूट के अंदर की चीज़ तो अनडिफाइंड हो जाएगी ना, इसीलिए आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है। आपने ये इंटरवल लिया, वन इज इक्वल टू वन आ गया, मतलब आप एक्स को कुछ भी रखो ज़ीरो से वन के बीच में, वो रिज़ल्ट जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आएगा। मतलब यहाँ से आप एक्स बिलोंग, एक्स जो है यहाँ से वो पूरा इंटरवल आ जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ से ये हो गया। अब आपको फाइनल आंसर चाहिए तो आप दोनों का यूनियन ले लो, तो इसका फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों का यूनियन ले लो, ये आप आंसर है, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में फिर हम फर्दर देखेंगे क्या क्या टॉपिक्स है, ठीक है।